गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जाफर खान एक बार स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने चैनल पर द एक्सोटिक बर्ड किंगडम में। तो दोस्तों माजरत चाहेंगे, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, बहुत ज्यादा मैं बिजी था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियोस के लिए और बहुत सारे मसले इस टाइम बंदों के यहाँ चल रहे हैं। रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो है वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज होने के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चिक्स के साथ में आई हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बर्ड के साथ में आई हैं और अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो वायरल इन्फेक्शन बर्ड्स को हुआ है उसमें लोग कंफ्यूज हैं, उसमें लोग उनको जो है वो आई का मसला कुछ समझ रहे हैं, कुछ जो है वो उसको पॉक्स का मसला समझ रहे हैं, कुछ जगह पॉक्स आया भी हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं एक एक चीज को अलग अलग बाइफरकेट करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा और इस वीडियो में क्या होना चाहिए, किस कौन सी दवा किस टाइम पे देनी है, हमने अपने बर्ड्स को वायरल इन्फेक्शन में कौन सी दवा देनी है, पॉक्स के इन्फेक्शन में कौन सी दवा देनी है और आंखों का अगर कोई मसला है तो उसमें कौन सी दवा देनी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एक्सोटिक बर्ड किंगडम। तो दोस्तों कल जो है वो होली है और छोटी होली है, कल होली जलाई जाएगी। तो हमारे सभी भाइयों को जो है वो तहे दिल से होली की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो है वो बहुत प्यार से इस तरीके से होली खेलिएगा ताकि किसी भाई को किसी तरीके का रंग का या स्किन के ऊपर जो है नुकसान ना हो। कोशिश करिएगा अबीर और गुलाब से होली खेली जाए। तो दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को, हमारे सभी भाई जो है वो अच्छे से होली एंजॉय करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी जो है इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो चल रहा है बर्ड्स को लेकर, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं। वो क्या रहा है कि जो चिक्स निकल रहे हैं उनके साथ में मसले आ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो ब्रीडर पेयर हैं हमारे, उनके साथ में मसले आ रहे हैं क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और ब्रीडिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ पे है। अभी लास्ट मार्च में जो भी बच्चे हैं वो सब अलग कर लिए जाएंगे, अलहदा कर ले जाएंगे, उसके बाद बॉक्सेस आंटी सारे जो है वो हटा दिए जाएंगे क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, हम लोग गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी सबसे ज्यादा हो क्या रहा है कि वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, लोग जो है वो इस टाइम खरीद फरोख कर रहे हैं, अपने पट्टे जो निकले हुए उनको बेच रहे हैं और जिनको जो है वो लेना है वो खरीद रहे हैं अगले सीजन के लिए। तो उसमें हो क्या रहा है कि कुछ जो है वो इधर उधर का भी माल आ रहा है, इन्फेक्टेड बर्ड्स भी आ रहे हैं, बाहर से जो कुछ बर्ड्स इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड आ रहे हैं और उनसे क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन बुरी तरीके से जो है वो फैल रहा है। मैं आप लोगों को पिक्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप लोग किस तरीके से मेरे पास एक के बाद एक डेली ऐसे मसले आते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन जो इफेक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा लवबर्ड्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है और लवबर्ड्स की आंखों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि आंखों पे पहले येलोइश सा जो है वो कलर आता है, उसके बाद जो है उन्हें स्वेलिंग आती है, रेडिश भी हो जाते हैं, उसके बाद पस निकल रहा है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिन भाइयों के बर्ड्स अभी बचे हुए हैं और इस तरीके का कोई मसला नहीं आया है तो सबसे पहले बर्ड्स का स्टेमिना जो है वो आप मजबूत करें और वो किस तरीके से करेंगे, होम्योपैथी की ये दवा है एनफ्लुएंजरम 30, ये जो है वो बहुत बेहतर दवा है जो बर्ड्स में इस तरीके का कोई वायरस आता है उसको जो है वो डायरेक्टली जो है वो किल करती है और साथ साथ में बर्ड का स्टेमिना बढ़ा देती है, उसकी इम्यून पावर को जो है वो अपग्रेड कर देती है, जिससे जो है वो बर्ड तैयार हो जाता है इस तरीके के मसले से निपटने के लिए। तो सभी भाई सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजरम 30 का जो है वो इस्तेमाल अपने बर्ड्स के लिए करें। 1 लीटर पानी में 10 कतरे डालें, 8 घंटे केज में रखें और उसका निकाल के फ्रेश पानी डाल दें। ये तरीकेकार आपको 3 दिन कर लेना है, 3 से 5 दिन भी कर सकते हैं अगर जरूरत समझें, और ये जो है वो आप प्रिकॉशनरी बेसिस करीब 3 से 5 दिन का कोर्स अपने बर्ड्स को, स्पेशली लव बर्ड्स को ये करा दें। अब हम बात करते हैं कि अगर जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जो है वो पस आ रहा है, उसके साथ में पानी भी निकल रहा है और बर्ड्स मरना स्टार्ट हो गए हैं, अगर इस तरीके का कोई मसला आया है तो आपको यूज करना है वेरोलोनियम 30, इग्नेशिया 30 और अगर स्वेलिंग वगैरह है, लाली है, तो फेरम फास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वेलिंग अगर वायरल इन्फेक्शन है तो स्वेलिंग लाजमी है, तो आप ऐसे कर लें, 1 लीटर पानी में 10 कतरे आप इग्नेशिया 30 के डालेंगे, 10 कतरे आप वेरोलोनियम 30 के डालेंगे और 10 कतरे आप फेरम फास्ट के डालेंगे। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन आप लोगों के यहाँ है, जिस तरीके से मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके का कोई मसला आ रहा है, आप बिल्कुल जो है वो इस दवा का इस्तेमाल कम से कम 5 से 7 दिन करें और क्या रिजल्ट आता है मेरे को आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें, आप मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा। तो इस तरीके का अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इस तरीके से उससे निपटें। अब हम तीसरी बात करते हैं कि अगर बर्ड्स की आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार बर्ड्स मर नहीं रहे, खाली आंख में जो है वो मसला आया हुआ है, बर्ड फिट भी है, खा भी रहा है, एक्टिव भी है, अगर इस तरीके का कोई मसला आया है तो बर्ड्स की अगर आंख से पानी आ रहा है और खाली पस आ रहा है,
ऑप्टिक्स में देख रहे होंगे कि पानी पल्स दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके का कोई मसला आया है तो आपको इस्तेमाल करना है हेपर सल्फर 30 का और इसके साथ में सिलेशिया 30 का। आप सिलेशिया 30 की पोटेंसी में ले लें, एक लीटर पानी में 10 कतरे आप सिलेशिया के डालें, एक लीटर उसी एक लीटर पानी में जो है आप 10 कतरे हेपर सल्फर के डालें और ये मिक्स करके कम से कम 5 से 7 दिन अपने बर्ड्स को दें। अगर बर्ड्स की आंख से जो है वो पस पूरी तरीके से नहीं गया है या आपको लग रहा है अभी भी जो है वो दवा का असर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब हम इसकी पोटेंसी को बढ़ा लेंगे। तब हम हेपर सल्फर 200 की पोटेंसी में ले लेंगे, सिलेशिया 200 की पोटेंसी में ले लेंगे, सेम एक लीटर पानी में 10-10 कतरे डालेंगे। लेकिन ये 200 की पोटेंसी का पानी हमको अल्टरनेट डेज पे चलाना है। हमने जो है वो एक दिन देना है बर्ड्स को, फिर एक दिन स्टॉप करना है, फिर एक दिन देना है बर्ड्स को, फिर एक दिन स्टॉप करना है। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे तो इस तरीके का जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जो आंखों के मसले चल रहे हैं और इस तरीके के बर्ड जो मर रहे हैं वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब वायरल इन्फेक्शन में कई भाइयों को मेरे से कंप्लेंट रहती है कि सर मेरे यहाँ तो होम्योपैथी की दवाई नहीं मिल रही है। अगर कोई इस तरीके का मसला आ रहा है तो आप एनरोफ्लोक्सेसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनरोफ्लोक्सेसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। जिस भाइयों को जो है अगर होम्योपैथी की दवा नहीं मिल रही है तो आप एनरोफ्लोक्सेसिन लें। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है वो वाजे कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि एनरोफ्लोक्सेसिन का इस्तेमाल आप किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन में करें। डिपेंड करता है कि वो किस बर्ड के ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो मैं क्वांटिटी इंशाल्लाह बता दूंगा। तो इस तरीके से हमने अपने बर्ड्स को इस टाइम पे बचाना है, क्योंकि जो फरवरी मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है ये वायरल इन्फेक्शन का टाइम होता है, क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें हमने अपने बर्ड्स को भी बचाना है, जो चिक्स निकले हैं उनको भी बचाना है। तो स्पेशली आज मैंने ये टाइम निकाला है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को इस पे एक वीडियो दे दूं। अब इंशाल्लाह दूसरा वीडियो जो मेरा आएगा वो जो चिक्स के ऊपर जो स्पॉट लग के जो बर्ड्स मर रहे हैं उसके मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, उससे कैसे निपटना है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। तो आप लोग जो है वो मैं बिल्कुल जो है वो तैयार रहिएगा, सोल्यूशन के लिए आपको बेहतर सोल्यूशन मैं दूंगा इंशाल्लाह। और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स आ रही है बर्ड्स के रिगार्डिंग, बर्ड्स के मुताबिक, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, इजाजत चाहेंगे आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखा करें। कोई भी आप लोगों को मसला आ रहा है, दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप हमेशा पूछें, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि दूसरे भाइयों की जो है वो मुश्किलात हल हो, और चैनल को लाइक भी करें। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।